हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज की वीडियो आप जान ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे होने वाली है। तो फाइनली हमारे यूट्यूब पे पीस मेकर के क्लिप्स देखने के दिन चले गए और अमेजोन प्राइम पे पीस मेकर को ला दिया गया। तो सीरीज देखने के बाद मैं पर्सनली विजिलेंटी का फैन बन चुका हूँ। मतलब बंदा थ्रू आउट दी सीरीज अबव ऑसम रहा है और तभी से ये आइडिया आया कि मुझे इस पे आपसे बात करनी चाहिए कि व्हाई विजिलेंटी इज एक्चुअली कूलर देन डेडपूल। नकली हंसी, असली गम छुपा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट वन, सिमिलैरिटीज। तो दोनों के शोडाउन में जाने से पहले हम पहले विजिलेंटी और डेडपूल दोनों के सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। तो दोनों ही कैरेक्टर एक एक्सपर्ट मार्क्समैन है, दोनों को बेफिजूल की बकचोदियां करना पसंद है, दोनों ब्रूटैलिटी से बाज नहीं आते, दोनों के पास एक सुपर कूल सूट है, तो वहीं दोनों के पास अपने पंटर लोग हैं जैसे पीस मेकर और डोपिंदर। बट अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पॉइंट नंबर टू, विजिलेंटी का एक नॉर्मल इंसान होना। हाँ जी भैया, तो म्यूटेंट हर कोई कहता एक्स मैंशन में है रहता आप समझ गए होगे। तो एक्समैन यूनिवर्स से बिलोंग करने के नाते डेडपूल एक म्यूटेंट है, वो भी वन ऑफ द एक्सट्रीम हीलिंग फैक्टर के साथ। अब ऐसी हीलिंग फैक्टर होगी तो भाई साहब कोई भी बिना डर के कुछ भी करना शुरू कर देगा। बट विजिलेंटी एक प्योर ह्यूमन है जो उसे काफ़ी वल्नरेबल बना देती है हर वो चीज़ से जिससे एक नॉर्मल इंसान को मारा जा सकता है। यानी विजिलेंटी का हर एक मिशन उसका आखिरी मिशन हो सकता है, बट फिर भी वो इस बात से नहीं डरता यार, और उल्टा और बकचोदियाँ करता हुआ लड़ाइयों में कूद जाता है। अब ये देती है मेरे अगले पॉइंट को, पॉइंट नंबर थ्री, रिडिक्युलस इंसेनिटी। हाँ जी, तो बात आती है पागलपन पे। तो डेडपूल ऑफ कोर्स नो डाउट मार्वल कॉमिक के वन ऑफ द मोस्ट इनसेन कैरेक्टर्स में से एक है। याद रखना मून नाइट और लीजन इससे ज्यादा ही पगलेट है। तो मूवी में भी सैकड़ों बार शूट होने के बाद, टीएनटी से ब्लास्ट होने के बाद, जगरनॉट के फाड़ देने के बाद भी हमारा रेड मार्क्समैन कभी ओपोनेंट से नहीं डरता, और सुपर पावर हो तो कौन ही डरे यार। वहीं इसके काउंटर में विजिलेंटी भी कम नहीं रहा। अगर हम बटरफ्लाई से सीधे लड़ने की बात करें ऊपर से घायल होने के बाद भी, तो वो सीक्वेंस काफी कूल था। बट इन सब में मुझे जो सबसे कूल लगा वो थे दो सीन्स। एक तो तब जब वो जेल जाके पीसमेकर के बाप के सामने बैठ के उसे और उसके गैंग वालों को जो इस बंदे ने गालियां दी है, मतलब यार क्या ही जबरदस्त रोस्ट करा था बंदे ने, और मुझे उस सीन में लग रहा था अब ये बंदा पिटेगा, अब ये पिटेगा। बट बंदे ने उल्टा सब की फाड़ दी। अगर वहां पुलिस ना आते तो उस बुड्ढे की कहानी उसी दिन खत्म थी। वहीं दूसरी सीन जो मुझे बवाल लगी, जब ये व्हाइट ड्रैगन के आगे ग्रेनेड का पिन खींच के गिरा देता है और खुद भी वहीं खड़े रहता है, मतलब यार गजब का पागलपन है इसके अंदर। वहीं ये चीज ना इसके एक डार्क नेचर को भी शो करती है, और वो है पॉइंट नंबर फोर, अ साइकोपैथ। अब देखो यार, इनकी जो टीम थी, अगर उसमें मुझे कोई सबसे साइकोपैथ कैरेक्टर चुनने को कहा जाए तो मैं बेझिझक विजिलेंटी को चुनूंगा। और इस सपोर्ट में मेरे पास हार्कोर्ट का एक डायलॉग है। याद है जब एडेबायो से हार्कोर्ट पूछती है कि क्या अब तुम्हें कुछ फील हो रहा है किसी को मारने के बाद, तो उस पर एडेबायो कहती है कि हाँ हर बार। हार्कोर्ट कहती है कि अच्छी बात है, मुझे भी बुरा लगता है, और ये कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात तब है जिस दिन आप किसी को मार डालने के बाद भी कुछ फील करना बंद कर देते हो। यानी सोचो, एक एजेंट भी जिसने ना जाने कितने मिशंस कैरी किए होंगे वो तक एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर बनने से डरती है, वहीं अपने विजिलेंटी इस चीज़ को फील क्या बंदा पूरा एंजॉय करता है यार। और इसके इस डार्क नेचर का सबूत था वो सीक्वेंस जहां गोली चलाने से खुद पीस मेकर के हाथ कांप गए थे, और वो सीन ये भी दिखा गई थी कि विजिलेंटी का कोई मॉरल कोड नहीं है, ये बंदा बिना झिझक के किसी को भी मार सकता है, लिटरली औरतों और बच्चों को भी, वो भी सीटी बजाते हुए एंजॉय कर करके। उस सीन के हर एक गोली चलने पे स्मिथ की रूह कांप जा रही थी, बट विजिलेंटी ही इज अ टोटल फ्रीक। वहीं इसके साइकोपैथ वाले ऑरा को टोन डाउन करती है इसकी ऑन स्क्रीन कॉमिक प्रेजेंस। यानी पॉइंट नंबर फाइव, अ लिटरल इडियट। तो यार तुम एक बार खुद सोच के देखो कि विजिलेंटी की जो पर्सनैलिटी है, यानी कि एक मॉरल लेस कोल्ड ब्लडेड मर्सिनरी की, उसके ऊपर से अगर उसे एक सीरियस कैरेक्टर बना दिया जाता तो लोग फिर एक निगेटिविटी के साथ देखते इस सीरीज को जब जब विजिलेंटी स्क्रीन पे आता। बट इसे एक निहायती इडियट कैरेक्टर बनाना सच में अच्छा फैसला रहा, और सेम यही रीजन लागू होती है डेडपूल पे भी, कि इन दोनों का एक मजाकिया होना इनके कैरेक्टर के डार्कनेस को बैलेंस कर देती है। बट इस ऑन स्क्रीन कॉमेडी में विजिलेंटी को
अपर हैंड मिल गई उसके फेस की। अब देखो डेडपूल के साथ केस ये है कि डेडपूल काफी कम टाइम अपने फेस को दिखाता है और उसके जितने भी इंटेंस कॉमेडी सीन्स होते हैं वो मोस्टली उसके मास्क के अंदर से ही होते हैं। एंड आप भी मानोगे गाइस कि फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं कॉमिक लाइंस के लिए और विजिलेंटी के पास वो एक एडवांटेज रहा। अब चाहे इसका वो बेसमेंट वाला सीन हो जहां इसके मास्क को उतार दिया जाता है या जब वो एडेबायो से जेल के बाहर मिलता है, वहीं इसकी आईक्यू पता नहीं कितनी कम है यार। आई मीन ससुरा विजिलेंटी के लड़की होने की बात कर रहा था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, वहीं पुलिस वालों के सामने डस्टबिन उठा के पुलिस स्टेशन में फेंक देता है, रोने को फेस मसाज समझ रहा होता है, लड़ाई में चेन सॉ ले जाने की जिद कर देता है। तो ये सारे एलिमेंट्स को दिखा के एक गजब का फैन फेवरेट मोमेंट क्रिएट करवा दिया जेम्स गन ने। ऊपर से विजिलेंटी की एक और बात अच्छी लगी, वो है इसका नर्ड होना। बंदा पॉप कल्चर और म्यूजिक से लेके कॉमिक्स मूवीज हर चीज के रेफरेंसेस फेंकता रहता है, जो कि काफी कैरेक्टर्स भी करते हैं जैसे स्पाइडरमैन, और यही बात टीनेजर्स को भी पसंद आती है। तो ये सारे जो रीजंस रहे ना, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पीसमेकर शो ने डीसीईयू को उनका खुद का डेडपूल दे दिया है। अब देखो गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं कह रहा कि विजिलेंटी डेडपूल से बढ़िया है या डेडपूल बकवास है, ना जी बिल्कुल ना, बल्कि ये सारा खेल है टाइम का। एक सीरीज ऑफकोर्स मूवी से बहुत लंबी होती है तो हर कैरेक्टर को भरपूर टाइम मिलता है और वो इंपैक्ट गहरा छोड़ते हैं और लोगों को पसंद आ जाते हैं। In fact, I can assure you कि जिस दिन MCU में भी Deadpool किसी सीरीज में अपीयर हुआ ना, तो वो जो पहले से फैन फेवरेट बना हुआ है, वो और छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस दे देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। वहीं अगर विजिलेंटी बस एक मूवी में अपीयर होता ना, तो इतना इफेक्टिव साबित नहीं होता। तो ये सभी रीजन रहे जो विजिलेंटी को एटलीस्ट मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बना दिया पीसमेकर शो का। तो अब आप बताओ गाइस कि आपको पीसमेकर कैसा लगा और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है शो में।